अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 25 जुलाई है, आइए जानते हैं आज की तारीखी वाकयात, साथ ही देखते हैं आज की तारीख से जुड़ी अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 25 जुलाई सन 1518 यानी 1518 को उस्मानी फरमारबा या वो सुल्तान सलीम खान फतेह मिस्र के बाद इस्तांबुल वापस आए। फतेह मिस्र उस्मानी तारीख का तवील तरीन महाज था। इस जीत के बाद मिस्र एक दफ़ा फिर खिलाफत इस्लामी की तरफ लौट आया, जैसा कि वो इब्तदाई इस्लामी दौर में था। जब सुल्तान सलीम मिस्र के तख्त हुकूमत पर विराजमान हुए तो तमाम जराकिसा को माफ़ कर दिया था। मिस्री सलातीन के औकाफ से कुछ तारुज ना किया, बल्कि औकाफ, मुनाफा, चरागाहों और हरमैन शरीफैन की आमदनी और टैक्स के लिए दर्जात मुकरर कर दिए। यतीमों, मशायक और माजूरों के लिए वज़ायफ़ मुकरर किए। खिलों की तामीर और सूफिया के मसारिफ का बंदोबस्त किया। मजालिम, लूट खसोट और तमाम नाजायज टैक्सेस ख़त्म कर दिए। तमाम इलाकों में नज्म व नस्क यानी लॉ एंड ऑर्डर पैदा किया। ब्रिटेन के मशहूर शिकारी एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट 25 मई 1875 यानी 1875 को नैनीताल इंडिया में पैदा हुए। जिम कॉर्बेट एक बरतानवी शिकारी और फितरत पसंद थे जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आदमखोर शेरों और तेंदुओं को हलाक करने की वजह से मशहूर है। जिम कॉर्बेट को बरतानवी हिंदुस्तानी फौज में कर्नल का ओहदा दिया गया था और उन्होंने बंगाल और नॉर्थ वेस्ट रेलवे के लिए भी काम किया था। उन्हें कई मरतबा मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद आदमखोर शेरों और तेंदुओं को मारने के लिए बुलाया गया था। चूंकि हिंदुस्तानियों को बंदूक रखने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो खुद ऐसे आदमखोर जानवरों को नहीं मार पाते थे। जिम कॉर्बेट ने बहुत सारे ऐसे आदमखोर हलाक किए जो किसी और के हाथों ना मारे जा सके थे। 1907 से 1938 के दौरान में जिम कॉर्बेट ने चंपावत की आदमखोर शेरनी, रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ, चौगढ़ की आदमखोर शेरनिया और पानार का आदमखोर तेंदुआ हलाक किया। इन जानवरों ने मजमू तौर पर 1000 से ज़्यादा इंसान हलाक किए थे। इन जानवरों की कामयाब हलाकत से जिम कॉर्बेट को कुमाऊं के इलाके में बेपनाह शोहरत और इज्जत मिली। बहुत सारे लोग उन्हें साधु भी कहते थे। 25 जुलाई सन 1967 यानी 1967 को ही पोप पॉल VI एक गैर सरकारी दौरे पर तुर्की आए थे। पापाए रोम यानी पोप ने तुर्क सदर जोदिच सनाए और वजीर आजम सुलेमान देमेरिल समेत फेनेर यूनानी आर्थोडॉक्स पैट्रिक अथेना गोरस से मुलाकात की, जो कि कैथोलिक और आर्थोडॉक्स के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करने में मददगार बनी। साल 1978 में 25 जुलाई के ही दिन दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। साइंस की दुनिया में ये बड़ा इनकलाब माना गया। इंग्लैंड के ओल्ड हैम सिटी में 1978 यानी 1978 में दुनिया की पहली IVF बेबी लुई ब्राउन ने आंखें खोली थी। करीब 2.5 किलोग्राम वजन की लुई ब्राउन आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई थी। IVF सिस्टम दुनिया भर के लावल्द जोड़ों के लिए एक नियामत साबित हुआ और लुई के जन्म की खबर फैलते ही सिर्फ ब्रिटेन के ही करीब 5000 जोड़ों ने इस सिस्टम के जरिए औलाद हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। आज ये सिस्टम भारत समेत दुनिया भर में मशहूर है और हर दिन हजारों खवातीन इसके जरिए प्रेग्नेंट हो रही हैं। 25 जुलाई साल 2007 को ही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हिंदुस्तान की पहली खातून सदर के तौर पर अपने ओहदे का हलफ लिया था। प्रतिभा पाटिल का रियासत महाराष्ट्र की सियासत से काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा है। प्रतिभा पाटिल 1962 में पहली बार महाराष्ट्र असेंबली के लिए सेलेक्ट हुई थी। बतौर वकील अपने करियर की शुरुआत करने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने समाजी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और ख़वातीन के मसाइल में दिलचस्पी रखने वाली प्रतिभा पाटिल 1991 में लोकसभा के लिए मुंतखब हुई। प्रतिभा पाटिल राज्यसभा की डिप्टी चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। 25 जुलाई को होने वाले और कौन से तारीखी वाक़े के बारे में आप जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।